हेलो एवरीवन, दिल्ली पब्लिक स्कूल राव इंदौर से वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, पीआरटी की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी सैलरी जो है डीपीएस में मिलती है, आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियोज आप देखिएगा। अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो 40,000 सैलरी दी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो वो 80,000 तक सैलरी जो है वो जाती है। और अप्लाई भी जो है आप लोगों को जल्दी ही करना होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है विद इन 7 डेज अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद नहीं। तो चलिए मेन वेबसाइट पर चलेंगे। सबसे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल राव इंदौर, यहां से वैकेंसी है। इसमें जो है वैकेंसी सेक्शन जो है यहां पर आपको नजर आ जाएगा, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा वैकेंसी का। तो ये जो वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर में भी जो है वो जारी किया गया है, और यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट, ये कटिंग, तो ये जो है ये पिछली है, नई नहीं है। नया जो विज्ञापन जारी हुआ है वो न्यूज़पेपर में जारी हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भी क्वालिफिकेशन है या फिर किस तरीके से आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना है, ये सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। तो चलिए न्यूज़पेपर वाला जो है वह भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट, दिल्ली पब्लिक स्कूल राव इंदौर, हेडमिनिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी सेगमेंट। तो उसके लिए जो है यहाँ पर, तो ये जो है हायर पोस्ट है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और 5 साल का जो है सीबीएसई स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपने काम किया हो। यहां पर जो है आप लोगों के पास एक क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है प्री प्राइमरी की, जो होती है ईसीसीई क्वालिफाइड विद बीएड, ये मांगा गया है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखेंगे टीचिंग स्टाफ में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, सोशल साइंस, संस्कृत, फ्रेंच, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, इन सबकी वैकेंसी है। और इन सभी के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी में भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, बाकी हर स्कूल में जो है एक्सपीरियंस मांगा जाता है। मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस यहां पर 3 से 8 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का। बहुत सारे वीडियोज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, केवीएस के, डीपीएस के, एनवीएस के, ठीक है। इसके अलावा भी जो है कई पब्लिक स्कूल का बनाया है, और आप लोग जो है वो बिल्कुल अप्लाई करें और एक्सपीरियंस गेन जरूर करें, क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में जो है वो आप लोगों के काम ये एक्सपीरियंस बहुत आते हैं, क्योंकि जब बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पर एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। उसके बाद प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी के लिए जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड या फिर ईसीसीई या फिर एनटीटी जो कोर्स होता है आपका, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी के लिए जो है यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, जिनका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी। कोचिज में जो है वो स्विमिंग, लिफ्ट गार्ड, टेबल टेनिस, ये जो हैं गेम्स के हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की आप देखें, रिसेप्शनिस्ट की है, स्कूल काउंसलर की है, स्पेशल एजुकेटर की है, वेलनेस टीचर की, टाइपिस्ट की, स्कूल नर्स, लैब इंचार्ज या असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, रोबोटिक एंड 3D प्रिंटर लैब इंचार्ज की, आईटी इंचार्ज या एग्जीक्यूटिव की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की, एडमिशन काउंसलर की। काफी अच्छी जो है जॉब और अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर जिनका सब्जेक्ट नहीं है तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी जो है यहां पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर रहने वाली है, यानी 7 दिन के अंदर जो आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अभी 2-3 दिन पहले का ही जो है ये एडवर्टीजमेंट है, और यहां पर लिखा है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा, तो आप लोगों को स्कूल जाना होगा, स्कूल में जाके ही जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है ले सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर, ठीक है। जब स्कूल का टाइमिंग होता है उस समय आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल के ऑफिस से लें, और 300 रुपये जो है आप लोगों को चार्ज वहां पर करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं एक्सपीरियंस के सहित,
और तीन जो है पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आप लोगों को स्कूल ऑफिस में ही सबमिट करानी होगी। उसके बाद जो है एड्रेस क्या रहेगा, एड्रेस है आगरा नेशनल हाईवे बिहाइंड सिलिकॉन वैली नियर राव सर्कल इंदौर। इंदौर जो है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि जो एमपी से अगर कोई भी वैकेंसी आती है टीचर्स की तो प्लीज बताएं। अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड है आपके पास, एनटीटी है, ईसीसी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करें।